तू जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। सपना सपना तुह जा सपना निंद्र अचेत दिसा, सपना सपना तुह जा सपना निंद्र अचेत दिसा। आओ जुगन का जाग्यो चारपाई को भी टाइट कर। ओ जानू जर्मन, बड़ा हल्का ले रहा है इसको, जानता भी है तू कौन है ये? जानता हूँ, जूनियर आर्टिस्ट है। हम तो बिलाल अब्बास के साथ उठते बैठते हैं। भले, मुझे कहता है अवर एक्टिंग टाइट कर। भले हेलो फजल बख्श, ओ आई मीन शमीर, शिप्रा को साथ नहीं लाए? शिप्रा शमीर के साथ कैसे आएगी? फॉरगॉट। अच्छा चलो जल्दी से मुझे बताओ कि हमेशा की तरह मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तुम
आज कौन सी नई कहानी लाए हो? देखो मेरी, इट शुड बी बिलीवेबल दो, और कन्विक्शन के साथ। हाँ, इस तरह बात मत करना मुझसे। मैंने अप्रोच नहीं किया था तुम्हें, और ना ही मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। मत भूलो ये बात। वो जो शेरनी है, क्या नाम है उसका? शिब्रा। शिब्रा, शिब्रा, उसने हामी भरी है शादी के लिए? नहीं ना। देखो शामीर, हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, मोहब्बत के। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, और तुम किसी और तक। तो आओ चलें और देखें कि कौन किसे पाता है और कौन किसे हारता है। ये खेल नहीं है, जो एक जीतेगा दूसरा हारेगा। ये खेल नहीं है। Interesting. तो फिर तुम क्यों खेल रहे हो फजल बख्श बनके? और क्या कह रहे थे तुम मुझे कि तुमने मेरे साथ कोई वादे नहीं किए? कभी सच बोला है तुमने मेरे साथ? सुखे सुखे, एटलीस्ट हम शुभ्रा के साथ तो सच बोल ही सकते हैं ना। लेट्स कॉल हर। मैरिन, ये करने की जरूरत नहीं है। मैरिन, फोन छोड़ दो। एक दिन की बात है, एक दिन सबर कर लो, उसके बाद जो दिल करे तुम्हारा कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। एक दिन यानी कल? कल क्या हो रहा है? हाँ, कल तो तुम्हारी बहन की रुखसती है ना। और अगर कल तुम्हारी सारी सच्चाई उनके सामने आ गई, तो हो सकता है कि सुलेमान अहमद अपनी दोनों बेटियों को घर पे बिठा दे। तुम्हें क्या लगता है, सुलेमान अहमद ऐसा कर सकता है ना? ब्लैकमेल कर रही हूँ मुझे? Of course. मेरे डैडी हमेशा सही कहते हैं कि पॉलिटिशियंस हमेशा ब्लैकमेलिंग की ही जबान समझते हैं, और कुछ नहीं। वरना तो मैं कब से तुम्हारा भांडा फोड़ के सारी दुनिया को तुम्हारा सच बता देती। क्या चाहते हो? मैं चाहती थी कि तुम मुझे अपने दिल से अपनाओ। पर ऐसा नहीं हुआ, तो अब शिब्रा को खोने के बाद टुकड़ों में ही सही तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दोगे,
बिना कोई रेजिस्टेंस के। मंजूर है? अगर तुम्हें गलत साबित कर दिया तुम हार जाओगे। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी मैं तुम्हारा मुकद्दर लिख रही हूं। बोलो, मंजूर है? मंजूर। ज़ुबैदा सिकंदर की कसम उठाकर कहो, मम्मी की कसम। तो फिर जाओ, इज्जत से शिब्रा की बहन की रुखसती कर कराओ, फिर देखते हैं कि कौन किसे पाता है और कौन किसे हारता है। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी महाबत का हर लम्हा तुझे ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना तो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार आमन तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार हो गया भाई साहब, इतने गुमसुम और उदास क्यों बैठे हुए हैं? जरा खर्चा तो देखे ना अपनी बहन का, लाखों रुपए लगा दिए मैंने इस तकरीब पे, आपको मजा ही नहीं आ रहा? नहीं नहीं किसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ तुम्हें सादगी इख्तियार करनी चाहिए थी, आराम से आके अपनी अमानत ले जाती, इतने खर्चे और धूम धड़के की क्या जरूरत है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, बड़ा ही सख्त आर्डर आया था ऊपर से कि सुकैना की खुशियों को धूमधाम से मनाना है। ऑर्डर का क्या? मैं समझा नहीं, क्या? वो कुदरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से ना, यानी आपको कैसे अम्मा बाबा ने मुझे ख्वाब में आके ख्वाबे गफलत से जगाया था और हम दोनों बहन भाई के रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। याद है मुझे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really sorry, Mary. आप क्यों शर्मिंदा हैं? आप उसको हैंडलिंग कर सकते हैं। आखिर वो इस मुल्क का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाला है। आई कैन हैंडल इट। मुझे पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। Okay. लेकिन तुम किस अश्योरिटी से कह सकती हो कि जो शर्त तुमने उसके सामने रखी है वो उस पर पूरा उतरेगा, मुकरेगा नहीं?
नहीं मुकरेगा। I know that for sure. ज़ुबैदा सिकंदर की कसम खाई है उसने, और अपनी मां की कसम तो वो मरकर भी निभाएगा। तो आप चिल करें, रिलैक्स। आई थिंक आई गॉट दिस। जितनी आप प्यारी है ना, आपकी बातें भी उतनी प्यारी। तो मैं आपको कह रहा था कि कौन हो भाई बरखुरदार, बात कर रहे हैं ना? कौन हो भाई? कौन है ये? वो बाबा की गेस्ट आने थी ना पास। ओ तो आप हैं वो? हाँ, तो तुम हो सलीमान साहब के दूर के रिश्तेदार। क्या नाम था तुम्हारा? फजल बख्श। इतनी भी दूर का रिश्तेदार नहीं हूँ। शिवरा बताओ ना, कौन हूँ मैं? हाँ, दूर के रिश्तेदार तो नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है फजल बख्श को ना बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है, बहुत अच्छा हाथ देखना आता है। ऐसे हाथ दिखाए? नो, एक्चुअली मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं। कैसी बात कर रहे हो, मोहब्बत करते हो यार, तो हाथ नहीं पड़वाओगे अपना यार? मैं तो बिलीव करती हूँ ना, मेरे लिए दिखा दें प्लीज। दिखा दें? चले ठीक है, आप इतना प्यार कर रही हैं तो वो क्या है, मैं आपकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। तो फजल बख्श देखो और बताओ, क्या कुदरत ने उसे मेरे लिए चुन लिया? उसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ भाई। आपके हाथ देख के बताते हैं कि आपकी कुदरत में कितना दम है। आहिस्ता। ब्रदर आपका नाम क्या है यार? फरहाद कुरैशी। अरे यार, नाम तो बड़ा फिल्मी और रोमांटिक है। एक प्रॉब्लम है, मसला है। मसला? वो क्या? फरहाद नाम रखने से शीरीनी मिल जाती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शीरीनी नाम की किसी लड़की से प्यार ही नहीं करता ना। हाँ, मगर भाई आपकी हाथ की लकीरों में है। मेरे दादा कहा करते थे, हाथ की लकीर में इंसान का सब पता चल जाता है। ओ, एक वार्निंग है, काफी अलार्मिंग भी हो सकती है। वो क्या? आपके हाथ में शादी की लकीर है ना? देखो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं यार, कुछ नहीं आता मुझे, खेल रहा था आपके साथ। बड़े मजा आई हो हैं? वो सब तो ठीक है फजल बख्श, लेकिन क्या है, तुम जैसे नाकाम लोगों के मजाक करना मुझे हंसी नहीं आती। देखा, हंसी नहीं आती है ना? अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा फजल बख्श। क्या लेकर आऊं आपके लिए? चाय, पानी, खाना? शीरी को छोड़ के बुला रही है तुम्हें? जा रही हूं। Thank you.
फजल बख्श जी सर, वो मेहमानों को देखो जरा। अच्छी लग रही हो, डिफरेंट से। हाँ ऐसा ही लगता हूं। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुम, तुम्हारे बाबा सीरियस लेने लग जाएंगे इस लड़के को। कुछ नहीं है, गलत ना समझा करो हर वक्त। वो देखो कैसे उनकी आंखों में प्यार, देखो उस लड़के के लिए को मैं सेट करके आता हूं। जेलस हो रहे हो? नहीं होता जेलस किसी से, वो तो तुम्हारे बाबा ने मुझे इनसिक्योर कर दिया, पर नहीं है क्या चीज इससे होंगे इनसिक्योर। इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। अच्छी लग रही हो बहुत। थैंक यू, मुझे जाना बहुत काम है। अच्छा सुनो, क्या क्या जल्दी है यार? काम है, जाना है। कहाँ जाना है यार, रुक जाओ। क्या काम है? आई सी। चलो 5 सेकेंड है, देख लो 5 सेकेंड। हाँ, 1। तीन चार पांच जा रही हूँ। अरे इधर हो, इधर बैठो बैठो बैठो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। ऐसे ही जा रही हूँ जा रही हूँ। क्या करोगे उसके साथ बैठ के यार, वैसे भी जरूरी बात करनी है मुझे। क्या बहुत अच्छी लग रही हो सच्ची यार। काम है जाने। सर आप सर का मतलब जानते हो तुम, उसमें अदब होता है, एहतराम होता है, जिसकी तचिया में खेलती तुमने। गलत समझ मत कहो मुझे सर, मैं क्या क्या समझता रहा तुम्हें, बोला ही और क्या निकले तुम। गलत फहमी है सर, लोग हैं सर सारे। चुप हो, मैं अभी तक तुम्हारी जान निकाल चुका था। जी सर, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम फजल बख्श? क्या समझा मैंने, क्या निकले तुम? दफा हो जाओ यार, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तो फौज जाओ।
ठीक है। वैसे जिस तरह मेहरीन ने सिचुएशन हैंडल की है बहुत मैच्योर साबित हुई है। But darling, now everything is in Shubhra's court. End result तो अब Shubhra पे डिपेंड करता है क्या होगा। शामिर भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। क्या ये लड़की Shubhra वाकई ऐसे लड़के से मोहब्बत कर सकती है जिसके बाप से इतनी नफरत करती हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शामिर ने अपनी शहजादों जैसी जिंदगी छोड़ के एक कॉमन मैन्स लाइफ चुनी। किसके लिए? इस लड़की के लिए। और ये लड़की तो कुछ जानती भी नहीं है शामिर के बारे में। तुम्हारा क्या ख्याल है इस कहानी का अंजाम क्या होगा? वो तो हरगिज नहीं हो सकता जो शामिर चाहता है या फिर जो Shubhra चाह सकती है। वो ऐसा हारून बेग कभी होने भी नहीं देगा Shubhra। फिर चाहे हम माजी के वो तमाम लम्हात उसके सामने ना दोहरा दें जब हमने उसकी मदद की थी। वाह भाई, आप तो बहुत ताबेदार बीवी बनेंगी। ना प्यार जो करती हूँ। इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। इसलिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। सुगैना, मैं नहीं जानता हमारी शादी किस हालात में और कैसे हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पैसे कहाँ से अरेंज हुए, लेकिन मैंने खुद से ये वादा जरूर किया कि एटलीस्ट मुंह दिखाई का तोहफा मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से ला कर दूँ। तोहफा छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें छुपी मोहब्बत, खलूस और प्यार बहुत बढ़कर है। बहुत प्यार है। पक्का? हाँ, और मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। अच्छा, वो दरअसल एक और बात करनी थी। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनेस्टी के साथ स्टार्ट करें। मैंने ये बताना था कि ये सारा शादी का बंदोबस्त, इंतज़ाम, इसके पैसे मैंने मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ, अब इतना हैरान लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो पैर दबाओ। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश, चलो चलो। अरे मजाक करी थी, क्या हो गया? नहीं, मैं दबा देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं होगी ना? नहीं जी, नहीं। अंदाजा था मुझे, लेने आओगे अपना बचा कुचा सामान। उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहां से। तो सामान लेने नहीं आपसे बात करने आया? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे फजल बख्श। मैंने कहा अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर, मैं और Shubhra, मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। हैसियत देखिए अपनी। अरे हो क्या तुम, हाँ क्या सोच लिया तुमने अपने बारे में?
प्यार से बात कर ली तुमसे, घर में रहने को जगह दे दी, और तुम पता नहीं क्या ख्वाब देखने लगे। अपने आप को तो देखा होता, अपनी औकात का ख्याल किया होता कुछ। जाओ यहां से बस। सर मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी शिब्रा को लेकर। नीयत ही तो जान नहीं सका मैं तुम्हारी फजल बख्श। तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खाया मैंने, तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातें, बस इनमें आ गया मैं। यही गलती की मैंने, और मेरा है तमाहत। मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम ये सामान उठाओ और जाओ यहां से। अरे जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो। ठीक है सर। जा रहा हूं सर, लेकिन पलट के वापस जरूर आऊंगा। सर जहां तक औकात और हैसियत का सवाल है, फरहाद की दो तौलियों की फैक्ट्री से उससे कई आगे खड़ा हूं सर मैं, इखलास और फकीरी की राह पर। और आपने ही कहा था ना सर, वो फकीरों की सुनता है, मेरी तो सुन ही लेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा सर, अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। सपना सपना तुह जा सपना निंद्र अचेत दिसां। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। सपना निंद्र अचेत दिसां। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। जो तू कहे